और चलिए हम आपको सीधा तस्वीरें दिखाएंगे जहां पे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो दीपावली है उसका उत्सव मना रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, देखिए पूरे देश में दीपोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अर्जुन राम मेघवाल भी जो दीपावली है उसका पर्व मना रहे हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, दीप पर्व है, जगमग सारा जहां है, अंधियारा मिटाने की कोशिश है और कहते भी हैं दीपक जलाना कब मना है, भले ही अंधकार कितना भी घना हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, उनकी अर्धांगिनी, उनके बेटे सहित पूरा परिवार यहां पर आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें, और अपने छत की मुड़ेर पर दीप रखकर एक संदेश देने की कोशिश कि उजियारा आए सोसाइटी में, समाज में। साथ ही साथ आप जानते हैं चुनाव हैं, तो चुनाव हैं तो भाजपा इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं प्रे करेंगी। मंत्री हैं, कानून संकल्प समिति के अध्यक्ष हैं, तो इस बात की भी कोशिश कहीं ना कहीं रहेगी कि इस दीपावली पर भगवान जो है उनकी और अर्ज भी सुने। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से। अर्जुन जी, दीपावली का पर्व, आपका संदेश देश के लिए, समाज के लिए। देखिए, मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से, बीकानेर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। अर्जुन जी, चूंकि चुनावी फेस्टिवल है ये इस बार, इसलिए बन गया है क्योंकि इलेक्शन है और साथ में पूरे देश ही मना रहा है दीपावली। अशोक गहलोत कहते हैं कि आप राम की बात केवल राजनीति के लिए करते हैं, तो चूंकि आज ये मौका भी, कुछ जवाब देना चाहेंगे अशोक गहलोत को? शायद मुझे लगता है कि इनका जो तीसरा कालखंड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, वो विवादों से भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। राम भारतीय संस्कृति के रोम रोम में बसा हुआ है, राम बहुत प्राचीन काल से लेकर के जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबने राम की बात की है। इनके कालखंड में प्रॉब्लम आई, जब ये सत्ता में थे तब कहने लगे, कबीर ने कभी राम की बात नहीं की, कभी कोई कॉमरेड कहने लगा कि आप तो अलग दिशा में ले जा रहे हो। तब हमने इनको भी कहा था कि कबीर ये कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। इनको वो कबीर का भाव नजर नहीं आता, कबीर का वो भाव जो पाखंड को विखंडन करने के लिए जो दोहे कहे, वो भाव तो नजर आता है लेकिन वो भी एक पक्षी नजर आता है। इनको उनको दोनों तराजू पे तोल करके कबीर ने जो कहा वो देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए पूरा देश राम को मानता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राम को मानता है, राम तो हमारी संस्कृति है ना। इन्होंने तो एफिडेविट भी दिया था, उस पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप मतपेटी से जोड़ लेते हैं राम को, ये समस्या आती है। मतपेटी का विषय नहीं है जी, संस्कृति का विषय है। देखिए मोदी जी के कालखंड में भारतीय संस्कृति का जितना महत्व बढ़ा है, राम भी उसमें से एक है। भारतीय संस्कृति का महत्व बढ़ रहा, उनको लग रहा है कि हम उसको मतपेटी से जोड़ रहे हैं। हम मतपेटी का विषय ही नहीं है राम, राम मंदिर भी मतपेटी का विषय नहीं, हमारी श्रद्धा का विषय है। आपकी श्रद्धा का विषय, चूंकि अब चुनावी चूंकि सीजन है जैसे कहा जा रहा है, आपकी अर्धांगिनी भी आपके साथ है, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा राहुल गांधी जो हैं बीकानेर संभाग में सभाएं करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, अर्जुन मेघवाल कुछ कहेंगे उसको लेकर? करेंगे, वो उनका काम है, हम भी करेंगे। देखिए तो अखाड़ा है, वो भी आएंगे हम भी आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के सारे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चूंकि आप तो भजन भी गाते रहे हैं, तो दीपावली पर कुछ सुना पाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे? क्योंकि हम बीकानेर में खड़े हैं और बहुत ही, आपने देखा होगा कि दीप भी मैंने आज खुद नहीं खरीदे हैं जी। और हमने हमारी धर्मपत्नी के साथ, पाना देवी जी के साथ हमने दीप जलाए भी हैं, परिवार के सदस्य भी थे। बीकानेर की संस्कृति में दिवाली पे हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा दोहा है, सदा दियाली संतरी आठों पहर आनंद, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा दिवाली की तरह क्यों नहीं रह सकते,
हैप्पी क्यों नहीं रह सकते, आनंद में क्यों नहीं रह सकते। तो हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए बीकानेर संस्कृति का जो सूत्र है उसको हम हमेशा ही जीते चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा चुनाव परिणाम के वाले दिन भी कोई दीपावली जैसा कुछ होगा या कांग्रेस मनाएगी उस दिन दीवाली? भाजपा ही मनाने वाली है जी, आपको सबको पता है। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इस बार 3 दिवाली, ठीक है, 25 नवंबर को, 3 दिसंबर को और 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का जब भव्य मंदिर निर्माण होगा, उद्घाटन होगा, तो ऐसे 3 दिवाली। चलिए, तो देखिए अर्जुन मेघवाल दीप जलाते हुए सपरिवार उनकी अर्धांगिनी पाना देवी और उनका पूरा परिवार, और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि इस बार देश 3 दिवाली मनाएगा। लेकिन मैं हमेशा की तरह फिर ये कहूंगा, ये तो तय जनता करेगी, लेकिन हाँ, अर्जुन मेघवाल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है इस बार जो है सरकार उनकी पार्टी की बनेगी। खैर, ये वक्त बताएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम राम पर राजनीति नहीं करते, भारत के रोम रोम में राम बसा है, राम श्रद्धा का विषय है। चलिए, कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।